हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे हम कि किसी तत्व में प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्लास 11th के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ, कार्बन C6H12। दोस्तों तुम्हें देखेगा कि कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको आज सिंपल मेथड बताऊंगा कि कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, जो भी इसका परमाणु क्रमांक हो में ही दोस्तों प्रोटोनों की संख्या होती है। तो इसमें दोस्तों प्रोटोन कितने हैं, P4 प्रोटोन। ऐसे प्रेजेंट करा दोस्तों P4 प्रोटोन। दोस्तों इसमें प्रोटोन संख्या कितने, 6 है। जो भी इसका परमाणु क्रमांक होगा वही दोस्तों इसमें प्रोटोनों की संख्या होगी। ऐसे दोस्तों जितने प्रोटोन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटोन कितने दोस्तों, 6, तो इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों 6 ही होंगे। बात आती है दोस्तों न्यूट्रॉनों की, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। 12 में से 6 जाएगा दोस्तों, कितने बचा, 6। तो इसमें दोस्तों 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन है। जैसे मैंने कहा दोस्तों नाइट्रोजन है 7, 14। तो दोस्तों इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन है। दोस्तों मैंने जो बताया, जो इनका परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों इतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे मिल जाएंगे दोस्तों, ऊपर लेवल से निचले घटा दो, कितना मिल जाएंगे दोस्तों, 7। ऐसे दोस्तों सोडियम 11, 23। तो दोस्तों इसमें देखो प्रोटॉन कितने होंगे, 11, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 और न्यूट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, ऊपर लेवल से निचले वाला घटा दो, कितना जाएंगे दोस्तों, 12। तो ऐसे दोस्तों तुम्हें याद रखना कि प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। जैसे दोस्तों से दिया एन के ऊपर 2 निगेटिव, तो इसमें पूछा था दोस्तों कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो दोस्तों मैंने तुम्हें बताया 7, 14 हो इसका। तो इसमें दोस्तों प्रोटॉन कितने, 7, इलेक्ट्रॉन, अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी कितने, 7 है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उस पर आ चुके, तो 2 + 7 कितने हो दोस्तों, 9 इलेक्ट्रॉन हो चुके इसके। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, ऊपर ले से नीचे ला घटा दो, 7, तो न्यूट्रॉन भी इसमें 7 है। जैसे दोस्तों उसने कहा ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव, इसमें पूछा तुमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों कैसे निकलेंगे, 8, 16 हो गए दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। तो इसमें दोस्तों प्रोटॉन कितने हैं, 8, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन 2 निगेटिव चार्ज के, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उस पर आ चुके, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, न्यूट्रॉन कितने, 8। क्लियर दोस्तों आप सभी का। अगर ये कहो Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताओ दोस्तों कितने, तो सोडियम कितना दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 23। तो इसमें दोस्तों प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है दोस्तों, उसने क्या पॉजिटिव चार्ज क्या प्रेजेंट करे, एक इलेक्ट्रॉन से जा चुका, तो इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जा चुका, प्रोटॉन क्या रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जा चुका, तो 10 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, न्यूट्रॉन कैसे निकल गए दोस्तों इसके, 23। ऐसे दोस्तों प्रोटॉन इसमें कितने हो गए, मैग्नेशियम का दोस्तों 12, 24। तो इसमें दोस्तों प्रोटॉन कितने, 12 है, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इससे जा चुके, तो 2, 10 रह जाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने दोस्तों, 12। तो इस प्रकार दोस्तों तुम क्या कर सकते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो।